कैसे मेरे भाई लोग, आज हम नया ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। और मेरे भाई लोग कैसे हो, आज हम न्यू ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे रोज गार्डन में रोज फेस्ट लगा हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं 32 सेक्टर में, कौन सा यार 34 सेक्टर में बैठे हैं, कौन सा यार। तो ये व्हाट्स अप गाइस, फिर से हम आ गए हैं एक अलग व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है हमारा रोज फेस्टिवल। तो आज रोज फेस्टिवल है कौन से सेक्टर में, रोज गार्डन जा रहे हैं, सेक्टर पता नहीं है, अभी पता नहीं है, ढूंढेंगे। तो दूसरी चीज़, आज हम आपको दिखाएंगे रोज़ फेस्टिवल का अलग 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 प्रकार के फूल। और पता है क्या यार लोग, हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, सारे लोग हमको ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, पागल फोन में देख के पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। नहीं, सब क्या पता, स्मार्ट है दुनिया, अनपढ़ नहीं आपकी तरह। तेरी बात कर रहा था कि पब्लिक ऐसे देख रही है, तेरी बात कर लेते बिलू अपन। तो चलो फिर ठीक है, हम मिलते सीधा रोज़ फेस्टिवल पे। ये देखो फेस्टिवल खत्म होते हुए यहाँ पर फूल भी झड़ चुके हैं, फूल ले गए लोग घर। अच्छा, अभी हम रोज गार्डन की बैक साइड में हैं और अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रखा, तो आगे साइड जाके देखते हैं कि आगे साइड क्या होता है। तो यार पता, इसके बारे में बताओ मेरे को, ये रोज गार्डन में कभी आया नहीं ना इतना, इसलिए पता रोज गार्डन में क्या, रोज गार्डन में क्या होता है, रोज गार्डन में रोज कम गुलाल ज्यादा होता है और ऐसे ऐसे बकार ज्यादा घूमती होती है, ऐसे बकार ज्यादा घूमते यार। सिंगल इज लाइफ वेरी डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट इजी ब्रो, डिफिकल्ट साले, सिंगल लाइफ इज वेरी इजी, पेनफुल, पेनफुल मतलब राहत साले, साले पेनफुल मतलब, पेनफुल मतलब दर्द भरा प्यार साला, घूमना साले। तू कैसा चल, मेरी इंग्लिश खराब है, मेरी इंग्लिश एकदम सही है साले, अनपॉसिबल, मेरी इंग्लिश खराब, अनपॉसिबल। हाँ तो अभी हम वेरका के अंदर जा रहे हैं, वेरका के अंदर कुछ खा के बैठी, कहाँ बैठी हम थोड़ी लाएंगे अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है सर। चलो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, ओके इसे देखो पिचकारियां मार रहा है, पिचकारियां मारते हुए। ये देखो हमारा राहुल भाई फिर से, ये देखो हेल्प करते हुए, थोड़ा सा देता हूँ पीस अपने में से। आज पैसे नहीं है मेरे पास यार, कह रहा आज पैसे नहीं है, पर्स घर पे रह गया, कह रहा पर्स घर पे रह गया, फिर भी भाई ने 101 रुपए का तेल डलाया पेट्रोल पंप में। इसे खाना खाना ही नहीं आता भाई से, ढंग से इसे खाना नहीं आता, कभी अपने घर पे बिठाओगे ना इसे तो किसे कुछ खाना नहीं आएगा। ये का जूठा ना करियो, ले ले अच्छा कर ले, पहले तू पहले पिल तू पी ले, अरे कर ले पहले तो पेपर में करूंगा। हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। वो ये जर्मनी से निंजा की टेक्निक लेके आया, तो ये है और हाँ अभी अभी फेंकेगा, हाँ ये कटेंगे, बहन करिए कटेंगे। रमन जी बताइए, ताश के पत्ते से कैसे केले काट देते थे, केले काट केला काट दी तो, ए मैंने पैटिस दिए कि मट्टी दी लगी कड़कड़ी अरे देखियो ऐसे करवाता हूं स्टंट, ये ले नहीं मेरे को। ओ यार लस्सी देखो भाई, ले मैं करता हूं हट देख, ये देखो गाइस सारे पैटिस लिए, देखियो ये देखो गैंग आरी मिलेगी, आरी वेस्ट कर दी ना, मैं खा तो रही थी और फेंकी थोड़ी ये थोड़ी। तो अभी मैं व्लॉग नहीं कर रहा, मेरा भाई व्लॉग करेगा राहुल, तो राहुल ये रो व्लॉग करो। बेजान दिल को यार ये तो करना है, ओए चमका पड़ रहा है, ओ चमका
वो यहाँ शूट होता है और यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। और ये मेरा भाई फोटोग्राफर भी है, अगर किसी को प्री वेडिंग शूट कराना तो ये पीछे ढोलक जैसा दिख रहा है यही करता है। मेरी नहीं खींचोगे तुम लोग? अबे चल भी चल, मतलब यहाँ वो अंकल को तो आने दो, तुम क्या मजाक समझ रखा है? अंकल जाओ, अंकल जी यूट्यूब चलाते ना तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे भाई ऐसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ तो आज एक बंदे को तुम बहुत मिस कर रहे होगे। पल्लो लटकेर मारो पल्लो लटके, जरा सा जी दो हो जा अगोरी पल्लो भीग। नमस्कार गाइज, हम भाई के चैनल से बात कर रहा हूँ, मैं रोहित। तो अभी अभी हमारे राहुल भाई को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो क्वेश्चन आप उन्हें बताइए कमेंट पे कि क्या होगा। तो अभी मैं आपको राहुल भाई से मिलाता हूँ कि उनके क्या क्वेश्चन है, तो आप बताइए जवाब। इधर देख, नाक में उंगली दी, अंगूठा दिया था मैंने। जी राहुल, आपका क्या क्या सवाल है? सवाल क्या है, मैं छोटे मैं पूछ रहा था कि ये कभी मूछें अच्छी लग रही है जो उसके साथ थोड़ा मेरे ये मूछें अच्छी लग रही है नहीं, कटा दूं या फिर क्लीन शेव रखूं या फिर ऐसे मूछें अच्छी लग रही है? तो इनका जवाब है कि ये मूछें रखें कि ना रखें, तो इन्हें करना पड़ेगा कुछ हिला उसका। तो कमेंट में बताइए हमें कि क्या हिला करें हम उसका। हाँ जी राहुल जी, अरे सही जगह पे नहीं, इसको थोड़ा इधर होना चाहिए। राहुल जी बताइए साले, पहले ये तूने क्या लगाया था इस पे? तो इनसे अभी कोई बात नहीं हुई जा रही। तो हाँ जी, तेरे को बेहोश कर दूं? चैलेंज है ये, मेरे को बेहोश कर रहे हैं। ए माँ ये नबुआ क्या पति है इसकी? खत्म करो कहानी है रोहित साले। देखो लगा इसलिए हम कहते हैं कि दो यूनिट खून की दान कीजिए, ताकि ऐसे बच्चे जो कि ऐसे खून के बेहोश हो जाते हैं उनके लिए दान किया जाए। और ये मेरा भाई ब्लॉग जिसने आज ही थोड़े दिनों पहले ब्लॉग शूट करा था और आज हमारे बीच यहाँ पे सोता हुआ रहा है, नहीं क्योंकि साला दुनिया में कहीं भी गोली चले साला इसको आगे लगती है, इतना मोटा है। मेरे नाक का देखो क्या हाल कर दिया भाई जी। गाइस आपने अभी देखा ही होगा कि कैसे व्लॉग में मेरी नाक छील दी गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरी नाक पे, क्योंकि ऐसी नाक मेरा दोस्त मेरे को झाड़ रहा है, देख रहा हूं मैं, और मेरे को झाड़ा जा रहा है मेरा दोस्त। नाक में तो देख ले सिंदूर लगा रही है, स्टाइलिश लग रहा है, नया स्टाइल लग रहा है। अरे इसको पहना दो वापस कपड़े भी चाहिए थे भाई। नींबू नींबू है यार, ये नाक लगाई है यार भाई, वो कट गया मेरे थोड़ा, खट्टे से ठीक होएगा क्या? हो जाता ना भाई खट्टे से ठीक हो। ये अभी छोटे भाई ने नींबू दिया है और अभी सबसे खतरनाक वाले काम करने वाला हूँ।
इसने लूड मिर्च वाला भी लगाया। ओए छी, पर कोई नहीं, खून साफ हो जाएगा। भाई मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, आपको दिख रहा होगा मेरी नाक पूरी छिल दिया नींबू से साफ। यार खून देखो नींबू पे यार। यार नाक तो देख यार, कैसे उधड़ी चमल कर दी नाक तो, उधड़ी चमल कैसी हालत कर दी है मेरी इन्होंने, पूरी नाक छिल दी है। क्या हो गया है मेरे को, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, ऐसे चलना पड़ रहा है मेरे को, कोई नहीं दिखता है मेरे को, क्या हालत कर दी है मेरी, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, कौन जान रहा है। पीछे से पिछवाड़े की लकीर दी, पीछे से पिछवाड़े की लकीर दी। उठ रहा किसने, अच्छा पिछवाड़े की लकीर दिख रही है। बाय बाय गाइस, मेरी नाक छिल दी, मेरे को सुसाइड करना है, सुसाइड सुसाइड। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, 4 दिन बाद मेरा शूट है, वीडियो शूट, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरी नाक की क्या हालत कर दी है इन्होंने, अब ऐसे इस मुंह से शूट करूंगा मैं, शूट तो किसी और का है, मेरी शक्ल भी तो आनी चाहिए थी डायरेक्टर की नाक में, अब ये काला काला तेल साथ जमा हो जाएगा खून, ऐसा अच्छा लगेगा गाइस। नहीं 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 नहीं, मुझे अब उसे बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उस नाक को मेरे को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इसीलिए अब मेरे को थोड़ा झूठा लेना पड़ेगा, तो मुझे झूठा लेना है, झूठा दीजिए ना, मुझे झूठा चाहिए, तभी मेरी आपको को शांति मिलेगी। तो गाइज आप यहीं पर ही अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, इस नाक को इग्नोर करना है, ये लाल लाल सिंदूर लगा है इस नाक, बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारा प्यार, ठीक है। तो बाकी इस नाक को इग्नोर करना, और जो भी हुआ है सारा का सारा उसे भूल जाना। ओके बाय बाय, तो चलते हैं, खत्म।